नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 मई। चले जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावित मरीजों की संख्या में धीरे धीरे हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड-19 प्रभावित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके बाद बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए चौथे अपडेट के मुताबिक 8 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में कुल मिलाकर मरीजों की संख्या 550 हो गई है। जिसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रभावित इलाके को सैनिटाइज करने का काम शुरू करवा दिया है। बिहार में कोविड-19 को लेकर आई अच्छी खबर। बिहार में कोविड-19 को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत कोविड-19 के मामले भले ही बिहार में बढ़ते देखे जा रहे हो, मगर ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद तमिलनाडु के बाद बिहार दूसरे स्थान पर आ गया है। 8 दिन पहले राज्य में संक्रमितों की संख्या लगभग 400 थी, जिसमें से 66 स्वस्थ हो चुके थे। वहीं बीते दिन आई रिपोर्ट के अनुसार 547 मरीजों में से 203 बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी श्रमिकों का सर्वे करवाने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन समीक्षा बैठक के दौरान कोविड-19 के रोकथाम को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत उन्होंने लोगों द्वारा मिले फीडबैक पर सतर्कता के साथ काम करने की अपील की है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों का स्किल सर्वे एक ऐप डेवलप कर बेहतर तरीके से कराए जाने का भी आदेश जारी किया है। उन्होंने आगे कहा कि श्रमिकों का सर्वे ध्यानपूर्वक हो, ताकि क्वारंटीन अवधि के बाद गाइडलाइंस के अनुरूप उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सके। निजी बसों से आने वाले लोगों को किराया देगी सरकार। ट्रेन से दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों और छात्रों को किराया वापस करने के ऐलान के बाद बिहार सरकार ने निजी बसों से आने वाले लोगों का भी किराया देने का ऐलान जारी किया है, जिसकी घोषणा बिहार सरकार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने की है। हालांकि संजय कुमार अग्रवाल ने यह भी साफ किया है कि छोटे निजी वाहन से आने वाले सभी मजदूर और छात्रों को उनका किराया खुद देना होगा। सरकार सिर्फ निजी बस और ट्रेन का किराया देने की जिम्मेदारी उठा रही है। आपको बता दें, बीते दिन ट्रेन के किराए को लेकर बिहार सरकार विपक्षी दल आमने सामने थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपना एक वीडियो जारी करते हुए किराए के नाम पर हो रही राजनीति पर पूर्ण विराम लगाया था। कोटा से 1400 छात्रों को लेकर बीते दिन बिहार पहुंची ट्रेन। बिहार के कोटा में पढ़ने वाले 1400 छात्रों को बीते दिन राजस्थान के कोटा से लेकर स्पेशल ट्रेन मोतिहारी जिले पहुंची, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी छात्रों को पहले तो स्क्रीनिंग करवाया गया। उसके बाद उन्हें फूड पैकेट और पानी की बॉटल दी गई, जिसके बाद ही उन्हें बस से उनके टाउन हॉल भेजा गया, जहां पर इन सभी छात्रों के बस द्वारा घर भेजा गया। आपको बता दें, मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर जिलाधिकारी और शीर्ष अधिकारी कपिल अशोक व पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के अलावा कई आला अधिकारी और पूरी मेडिकल टीम मौजूद थी। औसत खपत के आधार पर जारी होगा बिजली बिल। बिहार में लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े होटल, उद्योग, दुकान और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को एवरेज खपत के आधार पर बिजली बिल थमाया जा रहा है। आगे खपत के अनुसार बिल की वसूली की जाएगी। वहीं व्यवसायियों की परेशानी को देखते हुए विद्युत विभाग की ओर से फिक्स चार्ज पर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है, जिससे कि आने वाले समय में बिल और एरियर का किश्तों में भुगतान किया जा सकता है, जिसकी जानकारी राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू नेताओं की लगाई पाठशाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगह जगह से लोगों की प्रतिक्रिया के बाद जदयू नेताओं की पाठशाला लगाई है, जहां पर उन्होंने फीडबैक से संबंधित कार्य नेताओं को सौंप दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू नेताओं के साथ यह पाठशाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगाई थी। इसके तहत उन्होंने अपने सभी अधिकारियों से सतर्क रहकर काम करने के साथ ही राशन कार्ड को लेकर सरकार के स्तर पर हाल में जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अनुपालन किस स्तर पर हो रहा है, इस बात की जानकारी भी ली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुई रोजगार योजनाओं की का भी फीडबैक लिया है। बिहार में अब ट्रूनेट मशीन के माध्यम से होगा कोरोना प्रभावितों की जांच। बिहार में कोविड-19 के स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अब बिहार में उच्च स्तर पर जांच के लिए बिहार के अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन को लगाने का आदेश जारी किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में भारी संख्या में लोगों की जांच करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार इस मशीन को ऐसे मेडिकल कॉलेजों में लगवाया जाएगा जहां पर अब तक जांच नहीं हो रही थी। इसके साथ ही कुछ अन्य जगहों पर भी स्थापित करवाया जाएगा, जिसके बाद एक दिन में इस मशीन की मदद से 25 से 30 जांच करवाई जा सकेंगी। 9 मई तक 17 जिलों में आंधी तूफान और बारिश के आसार। बिहार के राजधानी पटना समेत कई जिलों में बीते दिन बारिश के साथ साथ आंधी और बर्फबारी भी देखी गई थी। वहीं पश्चिम विभोक्ष की वजह से बिहार के 17 जिलों में 9 मई तक बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसकी जानकारी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में दी है, जिसके तहत पटना सहित 17 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा, पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो देश के मैदानी हिस्सों में 3 सिस्टम बना हुआ है, जिसमें बिहार के पूर्वी हिस्से में लगातार तमिलनाडु बीच तक ट्रफ लाइन बन गई है, जिससे बारिश की संभावना ज्यादा बढ़ गई है।
बिहार में दूसरे राज्य से आने वालों के लिए बस पास की मिलेगी सुविधा। दूसरे राज्यों से आए सभी प्रवासी जो बिहार में फंसे हुए हैं उन्हें अब बिहार सरकार बस पास मुहैया करवाएगी, जिसके लिए बिहार सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वहीं सभी से दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर या छात्रों को वापस भेजने के लिए पास जारी करने का आदेश जारी किया है। वहीं बिहार सरकार भी दूसरे राज्यों में फंसे अपने बिहारी प्रवासी मजदूर और छात्रों को वापस लाने की मुहिम में जुटी हुई है, जिसके तहत बिहार झारखंड समेत तमाम राज्यों के लिए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध जयंती के अवसर पर इस बार बोधगया रही सुनसान। हर साल जहां बुद्ध जयंती के अवसर पर बोधगया में मेले जैसा माहौल देखने को मिलता था, वहीं इस बार कोविड-19 के कारण सब कुछ सूना सूना दिखा। बीते दिन बुद्ध की 2564वीं जयंती समारोह का सार्वजनिक रूप से आयोजन नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले बुद्ध जयंती के मौके पर विश्व के कई देशों के धर्मगुरु, लामा, श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में बोधगया पहुंचते थे, मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया, जिससे कि लोगों की आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह हो पाना असंभव है। अपनी मांग से वापस लौटे नियोजित शिक्षकों पर सरकार हुई मेहरबान। जहां कल तक सभी नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार काफी सख्ती से पेश आ रही थी, वहीं अब अपनी मांग से लौटने के ऐलान के बाद बिहार सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों पर मेहरबानी दिखाते हुए सेवा शर्त नियमावली लागू करने का फैसला जारी किया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और जुलाई तक संशोधित रूप से नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू करने का ऐलान जारी किया है, जिसमें सरकार की तरफ से जिला स्तर पर ट्रांसफर का विकल्प भी दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार बिहार के आगे हुई नतमस्तक। कोविड-19 के जारी जद्दोजहद के बीच कर्नाटक में बिहारियों के जारी उग्र विरोध के बाद आखिरकार कर्नाटक सरकार को झुकना पड़ गया। प्रवासी मजदूर को अब आदेश के बाद उन्हें गृह जिले में भेजने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, जिसके बाद अब कर्नाटक सरकार ने ट्रेन सेवा शुरू करने का ऐलान जारी किया है। आपको बता दें, बीते दिन कर्नाटक सरकार ने बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने से मना कर दिया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की थी और कहा था कि कर्नाटक सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में बिहारी प्रवासियों को नहीं भेजने की साजिश की है। 40 दिन बाद भोजपुर जिले ने ली राहत की सांस। कोविड-19 की चपेट में आए कई जिलों के बढ़ते असर ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। यही हाल भोजपुर जिले का था, जहां पर 40 दिन के बाद राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भोजपुर जिले में 8 मरीज एक साथ स्वस्थ होकर घर वापस लौट गए हैं। शहर के धनपुरा अवस्थित रिजॉर्ट में भर्ती 8 मरीजों को छुट्टी मिल गई है, जिसके बाद जिले में ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड में मीडिया कर्मियों की एंट्री हुई बंद। बिहार में मीडिया कर्मियों के कोविड-19 प्रभावित होने के मामले के आने के बाद सरकार ने सभी मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब से मीडिया कर्मियों को आइसोलेशन वार्ड में जाने से साफ मना कर दिया है, जिसकी जानकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए मीडिया कर्मियों तक यह बात पहुंचाने की बात कही है, जिसके बाद डीएम ने सभी एसडीओ और बीडीओ को ऐसा करने का आदेश जारी कर दिया है। बंद के बीच आज से पटना में खुल जाएंगे कई बाजार। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण जहां केंद्र सरकार ने 17 मई तक बंद का ऐलान जारी किया था, वहीं इसी बीच राजधानी पटना में आज से कुछ शर्तों के साथ कई दुकानों को खोल दिया जाएगा, जिसमें से ज्यादातर दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को शर्तों के साथ खुलेंगी, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक बाजार समेत अन्य दुकान सप्ताह में 3 दिन खुलेंगे। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ तौर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद एक बार फिर से सड़कों पर लोगों की आवाजाही देखने को मिलेगी। मगर यह ध्यान रहे कि सरकार द्वारा जारी किया गया यह आदेश उन इलाकों के लिए नहीं है जो कंटेनमेंट जोन में घोषित किए गए हैं, क्योंकि कंटेनमेंट जोन वाले कोई भी दुकान नहीं खोले जाएंगे। पटना के खाजपुरा में एक बार फिर मिला कोरोना पॉजिटिव। पटना के खाजपुरा में एक बार फिर से कोविड-19 प्रभावित व्यक्ति पाया गया है। खबरों की माने तो प्रभावित व्यक्ति की उम्र 60 साल की है। हालांकि अभी प्रभावित व्यक्ति के चेन का पता नहीं चल पाया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने 4th अपडेट में दी है। साथ ही खाजपुरा में सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं बीते दिन खाजपुरा में मिले मामलों के बाद ही खाजपुरा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, मगर कई दिनों से मामले के नहीं मिलने के कारण वहां के लोग राहत की सांस दे रहे थे। वहीं प्रभावित व्यक्ति के मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया को शुरू करवाने की अपील की है। बिहार में व्यवसायियों को सरकार ने दी बड़ी छूट। बिहार के कारोबारियों के लिए बिहार सरकार ने बीते दिन बड़ी राहत वाली खबर सुनाई है, जिसके तहत सरकार ने जीएसटी की विवरणी दाखिल करने की तिथि को बढ़ा दिया है। साथ ही कई और बातों का भी ऐलान किया है, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने देते हुए यह बताया है कि बंद के कारण उद्योग व्यापार के प्रभावित होने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जीएसटी विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया आसान करने का ऐलान जारी किया है, जिसके माध्यम से अब सभी कारोबारी 30 सितंबर तक जीएसटी का भुगतान कर सकेंगे। 17 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज पहुंचेंगी 20,000 यात्रियों के साथ।
बंद के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी तेज हो गई है। रोज भारी मात्रा में श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के अलग अलग जिलों में आ रहे हैं, जो दूसरे राज्य में फंसे प्रवासियों को लेकर उनके घर पहुंच रहे हैं, जिसके तहत आज भी विभिन्न राज्यों से 17 ट्रेन बिहार पहुंचेंगी, जिसमें लगभग 20,000 लोग आएंगे, जिसके बाद 44,000 से अधिक लोग बिहार पहुंच जाएंगे। बता दें, कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रवासियों को उनके राज्य में भेजने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम शुरू कर दिया गया था। बिहार में लगातार कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी देखकर मंगल पांडे ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार में कोविड-19 का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि बिहार में भले ही कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति हर दिन मिल रहे हैं, मगर ठीक होने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा है, जिससे साफ तौर पर यह दिखता है कि सरकार चेन को तोड़ने में काफी ज्यादा सफल साबित हुई है। और यही कारण है कि बिहार में प्रभावितों की संख्या मिलने से ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा सामने आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां भी कोविड-19 प्रभावित मरीज की पुष्टि होती है, उस इलाके को बंद करके चेन को तोड़ने की कोशिश की जाती है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां डोर टू डोर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, और अब तक 10,12,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। PHED ने 8 योजनाओं के लिए करोड़ों की दी स्वीकृति। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने जानकारी देते हुए यह बताया कि विभाग में 7 जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूती के लिए 143.08 करोड़ की 8 योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है, जिसके तहत 32.5 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 3 शहरों में उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण विभाग के कुल 143.08 करोड़ योजना से मजबूतीकरण, पहुंच पथ, क्रॉस ड्रेन, पथ परत, रोड सेफ्टी बचाव कार्य सहित पथ निर्माण से संबंधित अन्य कार्य किए जाएंगे। जदयू नेता ने तेजस्वी यादव को दिया अनोखा ऑफर। कोविड-19 के बीच बिहार में जारी राजनीतिक बयानबाजी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जिसके तहत जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव को अनोखा ऑफर देते हुए उनसे आग्रह किया है कि वह बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन स्टडी क्लास ज्वाइन कर ले, जिससे उनका गणित बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके आगे उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी, आपकी पढ़ाई को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे। आपने अभी तक मैट्रिक की परीक्षा भी पास नहीं की है। आप बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए आपका शिक्षित होना बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने बीते दिन सरकार पर तंज कसते यह कहा था कि अगर ट्रेनों की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाकर अप्रवासी बिहारी मजदूरों को बिहार लाया जाए, जिसमें उन्होंने आंकड़ा गलत बताया था। राज्यसभा की 18 सीटों पर फिलहाल वोटिंग करवाना संभव नहीं। कोविड-19 के बढ़ते असर की वजह से राज्यसभा का 2 राज्यों के विधान परिषद चुनाव होना भी संभव नहीं है, और यही कारण है कि राज्यसभा की 18 विधानसभा में और बिहार की 17 एवं उत्तर प्रदेश के 11 सीटों पर चुनाव के दावेदारों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें, सभी सीटों पर विराजमान प्रतिनिधियों के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण चुनाव नहीं हो पाने से सीटें अभी खाली हैं। वहीं खबरों की माने तो चुनाव आयोग ने सीटों के लिए चुनाव कराने में जल्दबाजी नहीं करने का ऐलान किया है, क्योंकि स्थितियां अभी सामान्य होती नहीं दिख रही हैं। विदेशों में भारतीयों को वापस लाने के लिए बिहार में सियासत शुरू। विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है, जिसके तहत उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि अब विपक्षी चार्टर प्लेन क्या नहीं चलाएंगे ताकि विदेश में फंसे भारतीय वापस आ सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों की वापसी के लिए 12 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ भारत सरकार ने विदेशों में बसे प्रवासी को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है, मगर विपक्षी दल सिर्फ बयानबाजी करते ही देखे जा रहे हैं। फीचर फोन और लैंडलाइन में भी शुरू होगा आरोग्य सेतु सेवा। कोविड-19 के इस माहौल में भारत सरकार ने हाल ही में सभी आम नागरिकों के लिए आरोग्य सेतु सेवा की शुरुआत की थी, जिससे कि आसपास के इलाके में कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों का आकलन आसानी से हो पा रहा था। हालांकि अभी तक यह सेवा सिर्फ स्मार्टफोन में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के आदेश जारी करते हुए आरोग्य सेतु सेवा को फीचर फोन और लैंडलाइन के लिए भी शुरू करवाने का आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है शैलेंद्र सिन्हा, अमृता सिन्हा, कृष्णा कुमार, रामलाल सिंह, पप्पू यादव, नीतीश सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सोनू कुमार, पीयूष कुमार, लाली सेना, आरती कुमारी, कौशल कुमार, विनीत सिंह, सुरभि पांडे। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों के ठीक होने की दर का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।